लखनऊ में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है नीट में धांधली को लेकर के। जो कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ पर देखिए किस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते होंगे कि ये यहाँ प्रदेश कार्यालय से विधानसभा घेराव के लिए जा रहे थे, पुलिस ने बैरिकेड लगा करके रोका है और यहाँ पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है। देखिए कि यहाँ पर यूथ के जो कार्यकर्ता है, यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं, उनको पुलिस डिटेन करके बसों में भर रही है और यहाँ पर ये देखिए तस्वीरों में ये देखिए आपको दिख रहा होगा और आपको आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है और यहाँ पर जो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडों में चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, जानने की कोशिश भी करते हैं। ये देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया है और कुछ लोगों को यहाँ पर जो माथों में तख्तियाँ लेकर के लीक कांड गुजरात का कनेक्शन जवाब दो जैसी तख्तियाँ लेकर के यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि खड़े हैं, हाथों में पत्तियां संविधान की, देखिए किस तरह से किताब लेकर के यहाँ पर ये बैरिकेड और पुलिस यहाँ जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको समझाने की कोशिश कर रही है। तो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये कार्यकर्ता है वो किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं दीपक सिंह से प्रयास करने की, दीपक जी क्या कहेंगे आप? देखिए जिस तरह से नीट से प्रदेश हो या देश हो, एक के बाद पेपर लीक का विश्व रिकॉर्ड बना दिया सरकार ने और कार्रवाई करने के बजाय जो दोषी हैं वो सूबे के मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, उनके साथ बैठकर चाय पीते हैं, सरकार के गठबंधन का हिस्सा हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होती। देश के युवाओं के साथ धोखाधड़ी हो रही है। भारत की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने पेपर लीक का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तत्काल मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें, जो गुजरात से लेकर पूरे देश में सिंडिकेट फैला हुआ है उनको तत्काल कार्रवाई हो और मंत्री अपने पद से त्यागपत्र दें। कहाँ जा रहे थे आप प्रदेश कार्यालय से? हम जा रहे हैं मुख्यमंत्री कार्यालय पर, उनसे पूछना चाहते हैं क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को, चुनी हुई सरकार को सरकार चला रही है या गुजरात की कंपनियां चला रही हैं? हम पूछना चाहते हैं उनसे कि उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, लाठी चलाने का वादा नहीं किया था, पेपर लीक का वादा नहीं किया था, तो ये वहां पर अगर यही व्यवस्था पेपर लीक के लिए की गई होती शायद आज यूथ कांग्रेस को इस प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। पुलिस की तरफ से देखिए कितने बसे लगाए गए हैं और यहाँ पर जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इनको डिटेन किया गया है और यहाँ पर देखिए जो पूर्व MLC दीपक सिंह है उनको डिटेन करके ले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे थे आप, क्यों डिटेन किया? देखिए ये नहीं पता कहाँ ले जा, लेकिन ये पता है कि इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेपर लीक का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये तय हुआ है गुजरात से लेकर पूरे देश में नामी जो बदनाम कंपनियां हैं जिन्होंने पेपर लीक के जिम्मेदार हैं वो सरकार के साथ बैठकर चाय पीते हैं, गले मिलते हैं। यूथ कांग्रेस की मांग है कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए, गुजराती सिंडिकेट को उत्तर प्रदेश में बैन किया जाए, जो सरकार ने वादा किया था उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, देश के नौजवानों से करोड़ों रोजगार देने के लिए, रोजगार नहीं दे पाए, सरकार इस्तीफा दे के युवाओं से गलती मानकर प्रायश्चित करे। अगर यही कार्रवाई, जो कार्रवाई पुलिस की आज यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में किया है, अगर यही कार्रवाई, यही एक्शन अगर सरकार ने पेपर लीक के लिए किया होता तो आज ये यूथ कांग्रेस को प्रदर्शन करने की नौबत नहीं आई होती। आज प्रदर्शन करने की नौबत नहीं आई थी। हम आपको तस्वीरों में दिखाएं कि भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात है और यहाँ पर किस तरीके से जो पुलिस की तरफ से व्यवस्था की गई है वो दिखाते हैं कि आप देखिए मेरी दाहिने तरफ ये देखिए कि बसों की यहाँ पर लाइन है, 1, 2 और 3 पीछे भी बसों की लाइन है। सारी बसों में जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन कर बसों में भरा गया है। ये प्रदेश कार्यालय से विधानसभा के घेराव के लिए जा रहे थे जो यूथ कांग्रेस के, देखिए तमाम जो बसें हैं उसमें यहाँ पर जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन करके भरा गया है और ये देखिए अभी भी लगातार यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोगों को डिटेन कर दिया गया है,
कुछ लोगों को, कुछ लोग यहाँ बैरिकेड पर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे सभी बसों में जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उनको डिटेन करके भरा गया है। अगर तस्वीरों में दिखाएं कि पुलिस फोर्स की व्यवस्था यहाँ पर कि कितनी भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और ये यहाँ से घेराव करने के लिए विधानसभा जा रहे थे जिनको डिटेन करके बसों में भरा गया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24।